हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे पास ये डबल डोर का फ्रिज है और इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि जो ड्रेन में ये जो ट्रे बना हुआ है यहाँ से पानी नहीं निकल रहा है और जो पानी है वो जो फ्रंट वाला जो गेट है वहाँ से निकल रहा है। सो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि आपका कुछ नहीं जाएगा। मुझे पता है आप व्यूज़ तो दे देते हैं, लाइक भी देते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपको सब्सक्राइब करना है क्योंकि एक हाथ से फ़ोन को पकड़ना और एक हाथ से काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको खोलना है और ये ध्यान दें कि ये जो इसके पेच वगैरह होते हैं बहुत हाइड मतलब हाइड होते हैं, छुपे हुए होते हैं। तो आपको देखना है कि ये कैसे खुलेगा। तो हम यहाँ पे हमारे पास छोटा लेटू पेच का है और जो वाइट वाला जो प्लेट है इसको यहाँ पे हमें खोलना है। तो आप देखेंगे ये जो पेच है, हम पेच को खोल रहे हैं छोटे पेच का से और ये थोड़ा टाइट होता है। तो आपको ये ध्यान दें कि ये सही से खुले, ऐसा ना कि आप तोड़ा ताड़ी करें, ऐसा कुछ नहीं, ज़बरदस्ती ना करें क्योंकि ये प्लास्टिक होती है और ये टूट सकती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दें और उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो प्लास्टिक है उसको पकड़ के बाहर की तरफ खींचना है और ये ध्यान देंगे कि ये कहीं लॉक वगैरह तो नहीं लगा है। अगर लॉक वगैरह लगा रहेगा तो ये टूट सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो जब ये दम ना लगाए, अगर आप दम लगाएंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ नुकसान हो। और एक चीज़ और कि फ्रिज को बंद करके जैसे 3-4 घंटा पहले ही बंद कर दें, उसके बाद इसको खोलें। अगर आप इसको ज़बरदस्ती खोलेंगे तो क्या होता है, बर्फ़ जमा होता है, अगर आप इसे खींचेंगे तो ये जो ब्रेक हो सकता है इसकी प्लास्टिक वगैरह। तो आप देख रहे हैं कि हम इसको खोल रहे हैं। खोलने के बाद आपको ये जो दोनों जैक होता है, जो फ़ैन के जैक वगैरह होते हैं, इसको आपको बाहर निकाल देना है। जब ये दो चीज़ आप बाहर निकाल देंगे तो आप इसे आराम से काम कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं पीछे कॉयल लगा हुआ है, ये हमारी होती है कूलिंग कॉयल। जब इसके अंदर गैस चलता है तो ये ठंडा होता है। जब हीटर साइकिलिंग हमारी, इसके अंदर हीटर भी लगा होता है, इसके नीचे हमारा हीटर होता है किसी किसी में, और कभी कभार क्या होता है कि कूलिंग में ही हीटर लगा होता है। तो जो हीटर होता है, जब ये हीटर गर्म होता है तो पानी टपकता है और पानी क्या होता है इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे, और जिसके कारण क्या होता है कि पानी जो है इधर से ही बहना शुरू कर देता है और आपका जो सब्जी वगैरह है वहाँ तक पानी पहुँच जाता है। तो जो पानी है इसीलिए बनता है। तो ऐसा क्या होता है कि नीचे इसके जो जाल लगा है, इसके नीचे एक ट्रे होता है और जो ट्रे के नीचे एक पाइप लगा होता है, और आप देख रहे हैं यहाँ पर पानी डाल रहे हैं और पानी डालने के बाद नीचे देखेंगे कि कोई मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमने यहाँ पे ये पानी डाल दिया है और थोड़ा सा हम और डाल रहे हैं कि क्या पता पानी कम ना पड़ जाए। तो उस बाद हमने यहाँ पे पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद हम नीचे चेक करेंगे कि पानी हमारा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कॉयल के नीचे है पानी बहुत ज़्यादा भर गया है, लेकिन पानी कम नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि पानी जो है निकल नहीं रहा है। तो अब हम इसको देखना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि नीचे देखना है जहाँ पे हमारी ट्रे वगैरह रहती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई वायर वगैरह या फिर कोई लकड़ी वगैरह आपको डाल के थोड़ा देखना है कि यहाँ पर कोई कचड़ा वगैरह फंसा हो। तो अगर आपको सबसे पहले ये आपको यही करना है, अगर कोई यहाँ पर कैपलरी हो या फिर कोई एल्युमिनियम का कोई वायर वगैरह हो पतला सा, लेकिन ध्यान दें कि ज़बरदस्ती से आपको कुछ भी नहीं करना है, जितना भी हो सके आपको प्यार से करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वायर को डाल रहे हैं लेकिन जो है कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये साफ़ है, पानी नहीं निकल रहा है, प्रॉब्लम कहीं और से है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा करना है, थोड़ा एक दो मिनट तक आपको ऐसे करना है, क्या पता ये आपका जो जाम है वो खुल जाए। क्योंकि जब तक ये पाइप की रास्ता जो क्लियर नहीं होगा, जब तक आपका जो वाटर है वो बाहर नहीं निकलेगा, और जो वाटर निकलेगा तो हमारी ये ट्रे में इकट्ठा होता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ये पाइप लगा हुआ है, पाइप के अंदर तो पानी भरा है लेकिन जो नीचे नहीं जा रहा है। थोड़ा मैं कैमरे को आपको अंदर से दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये छेद होता है, यहीं से जो पानी होता है वो नीचे जाता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, वो वायर है, वायर को यहाँ से डालना है और वायर को डालने के बाद यहाँ से एक बार धक्का मारना है, क्या पता कि यहाँ से रास्ता जो है आपका ब्लॉक हो। तो यहाँ पे हम यहाँ पे वायर डाल रहे हैं, वायर डालने के बाद यहाँ पे क्या करना है, हिलाना है। तो यहाँ पे क्या होता है, कभी बार क्या होता है, यहाँ पे काई बन जाती है और काई बन के जो होती है वो वहाँ पे जम जाता है और वो जो रास्ता होता है इसका ब्लॉक कर देता है। तो इस कारण जो है पानी नीचे नहीं पहुँच पाता है। तो जब तक ये क्लियर नहीं होगा, जब तक पानी आपका जो प्रॉब्लम है वो ऐसे ही होता रहेगा। और ये देख रहे हैं हम यहाँ पे एक वायर है, वायर को यहाँ पे हम डाल रहे हैं। वायर जो है हमारा बिल्कुल सॉफ्ट है, कोई हार्ड नहीं है। कभी क्या होता है कि हार्ड अगर आप डालेंगे तो जो फ्रिज है वो कहीं से भी आपका पाइप वगैरह फट सकता है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल सॉफ्ट पाइप डालना है और ज़बरदस्ती नहीं करना, जहाँ तक ये जा रहा है जाने दो, और बिल्कुल हल्के हाथों से इसको धक्का मारना है। कि ऐसा नहीं है कि आप हार्ड पाइप ले लेंगे तो ये पाइप फट जाएगा और बहुत प्रॉब्लम हो जाता है और जो पानी आपका कहीं भी जा सकता है। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक करना है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, ये आप देख रहे हैं कि जैसे हमने यहाँ पे ये डाला तो ये पानी जो है ये कम हो गया है। इसका मतलब है कि हमारा जो रास्ता है ये खुल गया और आप देख रहे हैं पानी कितनी स्पीड से अंदर जा रहा है। तो ये इसी पर, और यहाँ पे देख रहे हैं पानी जो है ये गिर रहा है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल काम होता है, आप इसको घर पर ही कर सकते हैं, कोई बिगर टेक्नीशियन को बुलाएँ। और जो कॉयल अंदर रखा और लगा होता है कूलिंग कॉयल,
कूलिंग कॉइल को क्या करना है, आपको उठा के हल्के हाथ से पीछे करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कूलिंग कॉइल को ज़्यादा ज़बरदस्ती मोड़े मारेंगे तो गैस भी लीक हो सकता है, और जैसे जैसे आपने खोला है उसको आपको वैसे ही पैक कर देना है। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।